सो गाइस वेलकम बैक टू सिनेमा व्लॉग्स एंड आज का व्लॉग मेरा फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दशहरा। तो आ जा दशहरा एंड अभी थोड़ी देर में आने वाली है यहाँ पर से हमारे वहाँ की दुर्गा पूजा की मूर्तियाँ विसर्जन के लिए बागेश्वर को, उसकी वीडियो तो मैं आपको दिखा दूंगा। और हम जो है विसर्जन में बागेश्वर जाएंगे अभी थोड़ी देर में अपनी स्कूटी में, और मेरा बड़े भाई अभी हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें मम्मी लोगों को जाना है खाने देने, क्योंकि घास कटाई हमारी चल रही है ना आजकल इस वजह से। तो अभी खाना आना तो बन चुका है, पहले हम जल्दी से कहते हैं कि खाना दे के आएंगे मम्मी लोगों को, उसके बाद मिलेंगे आपसे। मम्मी लोगों को तो खाना देके आ चुके हैं मसाला, और घर आके हम लोग गया था खाना आना, ये तो अभी था। और अभी हम रेडी हो चुके हैं बागेश्वर भी आने के लिए विसर्जन में, मेरे को मस्त वाला रेडी हो चुका हूँ, और मेरा बड़े भाई भी हो चुका है, वो अभी नीचे गया हुआ है। मस्त वाला जाएंगे अभी, बिल्कुल मौसम भी बिल्कुल सही हो रहा है आज का, धूप आ रखी है एंड इसको देखो ये कैसा कर रहा। भोगो भोगो हम तो जा रहे हैं घूमने, अभी देखो अभी हम जाने वाले हैं। और इसको देखो गाड़ी में बात है चुन्नी को भी, दोनों दो के दो शीशों में बांधेंगे जो अच्छा लगता है स्कूटी में। अभी बिल्कुल मस्त तरीके से हो चुकी है हमारी स्कूटी भी रेडी, चुनरी नया बात दी है इस पर, देखो मस्त दिखाई दे रही है। मेरा बड़ा भाई तो यहाँ पे देखो ऐसे करके बिल्कुल व्हाइट शर्ट पहन के रेडी हो रहा है, कैसा है रफी भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें इतना बड़ा वाला हेलमेट पहनने वाला हूँ ये। तो अभी चलते हैं एंड इनकी लड़ाई होने लगी है, बड़ी देखो ये पीछे से बस दिखाई दे रही होंगी कि हमारी मिली है एंड आगे से देखो इसके दोस्त को इस वाली गाड़ी पे, हमें तो लगा पहुंच गए यार, बट ये अभी तक का ये भी पहुंच गया बिलोना पे। अभी हम मूर्तियों से तो आगे पहुंच चुके हैं, मतलब पहुंच जाएंगे मूर्ति ना साथ में, और भी पीछे भी पानी वानी के लिए पहुंच गए बोले वो वहां पे। तो अब चलते हैं ऐसे नीचे, अब थोड़ी देर रेस्ट नहीं करेंगे, आराम से निकलेंगे बिना भाई थोड़ी देर में। 12 बजे आके वो 2 बजे बिलोना पहुंच गए, तो भाई आगे से तो 4 बजे करीब विसर्जन होगा, और मतलब वहाँ पहुँच के भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वहाँ जाते हैं फिर इसके बाद हम मूर्तियों को घुमाते हैं, पहले अभी बागेश्वर लगे पूरे बागेश्वर में मूर्तियाँ घुमाएंगे आधा, फिर इसके बाद वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँच के भी बहुत ज्यादा होता है। तो थोड़ी देर यहाँ पे अब वो लोग वहाँ पे रेस्ट करते हैं, और इसको देखो कैसा लग रहा था हम आए हुए अभी। अभी बुआ ने हमारे यहाँ पे खाना भी लगा लिया है क्योंकि घर में तो नहीं खाया था हमने, तो अभी आ चुका है हमारा खाना, तो अभी हम इसे मस्त तरीके से इंजॉय करते हैं। आई होप आप लोग भी हमारे ब्लॉग को एंजॉय करते हैं। तो अभी खाने पीना तो मस्त वाला, और हमारे आगे मूर्ति भी यहाँ से आगे को तो निकल चुके हैं, और अब हम भी जाएंगे यहाँ पर से पैदल, क्योंकि वैसे भी फिर आगे से गाड़ियाँ रोक देते हैं, थोड़ी बहुत आगे जाएंगे यहाँ पर से गाड़ी में, फिर वहीं पर भी रोकनी पड़ेगी, तो वो लोग यहाँ पर रुकेंगे ना भाई। तो अब चलते हैं पैदल, फूड निकालना है अभी यहाँ पर, ये देखो हमने डिग्गी में डाल लिए थे गाड़ी के, ये तो मेरा रहा और ये मेरा उड़वाई का, फिर बाद में ठंडा होगा ऐसे भी वहाँ जाने तक का, तो विसर्जन तक तो शाम हो जाएगी, फिर ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो हुड वुड पहन लेते हैं। आगे से हमारी मूर्तियाँ भी रुक गई है, मतलब हमारी वहाँ से मूर्तियाँ आज दिन आगे से रुक गई है, अब इन्हें यहाँ पर से पूरे मार्केट में घुमाया जाएगा, फिर उसके बाद आएंगे विसर्जन के लिए, वहाँ पे जाते हैं और मूर्ति दिखाते हैं आपको बिल्कुल मस्त तरीके से। इतने लोग आए हुए हैं हमारे वहाँ से, आधे तो चले गए होंगे आगे को, घूम रहे होंगे अभी बागेश्वर, विसर्जन तक पूरी शाम हो जाती है। लास्ट टाइम भी जब हम घर को आए थे ना रात होगी थी उस टाइम में ना भाई, तो आप चलते हैं सीधा आगे। आगे से बागेश्वर वाली मूर्ति भी आ चुकी है, सो देख सकते हो यहाँ पर से यहाँ पर, और पीछे से हमारी मूर्ति हल्ले बिल्कुल मस्त तरीके से। एक बार दादाजी का डांस देखो गाइस कि कैसा करने में लगे हैं मस्त।
अभी विसर्जन भी होने लग चुका है, पहले तो गणेश जी की मूर्ति ले जा रही है विसर्जन के लिए। भाई भी मौजूद है, ये देखो अभी एक साथ चल रहे हैं, अब चलते हैं सीधे घर को। विसर्जन तो हो गया था, मजे के हाँ, मेरे को तो अच्छे से दिखा भी नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा उठ रही है, तो आग से उठना नीचे गया था, नीचे से वीडियो बनाने में लगा दिया मस्त तरीके से। अभी चलते हैं आगे से सीधे घर को ना भाई, कैफे में, और यहाँ पे लगाई हुई है अभी हमने पेटी, मतलब घुमाई हुई अभी लगाई हुई वो। मैं तो थक गया यार, बोला मेरे कमर पे दर्द हो रही है खड़े खड़े। और सर भाई तो अभी हमने बुआ के यहाँ जाना है ना कल को, घर को कल शाम में सही ठहरा, तो हम तो सीधे ही घर में आने वाले हैं, और यहाँ पे पेटीज भी आ चुके हैं तो अभी इन्हें खाते हैं। तो गाइस अभी हम घर पे आने लग चुके हैं एंड रात भी हो चुकी है हमें, अभी तो हम क्या कहते हैं कि जस्ट अपने बोलो घर के वहाँ पर से निकले हुए हैं, और रात भी हो चुकी है क्योंकि हम गए थे पहले चाउमीन लेने के लिए, बट वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, फिर हम सीधा आगे घर को, तो अब चलते हैं सीधे घर को। एंड देखो यार लाइटें वाइटें जल चुकी हैं लोगों की घर की, तो अब चलते हैं सीधे घर को। उसके कपड़े पड़े बदल लिए हैं, जस्ट अभी पहुंचे हुए हैं हम, और कपड़े तो बदल लिए मैंने बिल्कुल मस्त वाले, और अभी थोड़ा बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, घर पहुंच के एक अलग ही सुकून मिलता है गाइस। और देखो बादल लगे हुए हैं अभी हिलके फुलके, चांद तो दिखाई दे रहा है अभी। आज का व्लॉग भी पहले एंड करता है तो हमारा आज का व्लॉग है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो गाइस आपके नए व्लॉग के साथ के लिए बाय।